हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ कि सारी दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज़्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्यों, क्या हो गया, हैरान हो गए, होश उड़ गए, होश तो मेरे भी उड़ गए ये सोचते सोचते। हाउ फॉरेनर बिकम्स कृष्णा भक्त। जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी शेरनी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों से निवेदन करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। अक्सर आपने, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, फॉरेनर्स जो होते हैं वो हमेशा से कृष्ण भगवान जी के गीत भजन गाते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो केवल कृष्ण भगवान जी को ही क्यों इतना मानते हैं, उन्हीं के भजन क्यों गाते हैं, क्यों अन्य भगवानों को नहीं मानते है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर आप लोग सुनोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा दोस्तों। इसके मेनली तीन रीज़न है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया में जो रहने वाले विदेशी हैं वो सीधी तौर पर किसी भी भगवान से नहीं जुड़ते। मैं आसान भाषा में कह दूँ, राम भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, अन्य भगवान से वो नहीं जुड़ते। जो भारत के फेमस नामचीन संत होते वो पहले डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं, फिर बाद में वो जो संत जिस भगवान को ज़्यादा मानते, जिस भगवान के प्रार्थना में वो लीन होते हैं, उसी से वो जुड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जो महान संत विदेशों में जाते थे वो गीता का प्रवचन बहुत ही ज़्यादा देते थे और गीता कृष्ण भगवान जी ने लिखा है, तो ये सबसे बड़ा अहम रोल है कि विदेशों में कृष्ण भगवान जी को इसलिए ज़्यादा माना जाता है बिकॉज ऑफ गीता को लेकर के। आपको भी पता है कि रामलीला, रामायण को समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो भगवद गीता है, भगवद गीता में कैसा है, डेली लाइफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके प्रति, हमारे प्रति, सबके प्रति, दुनिया के प्रति लिखा हुआ है। भगवद गीता को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, तीसरा कारण है इस्कॉन टेम्पल्स। आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इस्कॉन टेम्पल्स का, लिटरली इस्कॉन टेम्पल्स के बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। इस्कॉन टेम्पल्स के कारण ही आज विदेशों में आपको कृष्णा जी के भक्त मिलेंगे जो कि विदेशी लोग हैं दोस्तों। सच कह रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस्कॉन टेम्पल्स आज दुनिया भर में, जैसे कि अमेरिका, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यह सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर। और भारत के अंदर मैं आपको बता दूँ, इस्कॉन टेम्पल सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में, बहुत ही बड़ा टेम्पल है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो जो आंदोलन चल रहा है कृष्ण जी का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और इस्कॉन टेम्पल्स का आपने काफ़ी दफ़ा नाम भी सुना होगा, जब भी कोई आपदा आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, उस समय इस्कॉन टेम्पल्स हमेशा से सामने आते हैं। उनके जो महंत होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, संत होते हैं, वो हमेशा आपको ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन के युद्ध में काफ़ी लोग फंसे हुए थे, तो इस्कॉन टेम्पल्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी स्टूडेंट्स को, खाना पीना रहना बहुत ज़्यादा। और विदेशों में तो ऐसा मुहिम भी चलता है कि उनको सस्ते में खाना दिया जाता है, वो भी शुद्ध शाकाहारी, एकदम वेजिटेरियन खाना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कृष्ण भगवान जी के पास लोगों को अट्रैक्ट करता है। इन सनातन धर्म, उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब रूल नहीं है, मैंने अभी तक जहाँ तक पढ़ा है, मेरी नॉलेज है, कि उसमें कन्वर्जन या कन्वर्ट करते हैं ना हम, वैसे धर्म परिवर्तन ऐसा कोई भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी उसके अंदर जिक्र या मेंशन नहीं है। आपको अगर मन है तो आप कर सकते हो, आपका मन नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन इस्लाम, जो मैं जिस धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, उसके अंदर कन्वर्जन का बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए आज दुनिया भर में आपको बहुत सारे मुस्लिम्स कंट्री मिल जाएंगे, बहुत सारे मुस्लिम्स लोग मिल जाएंगे, चाहे मैं आबादी की बात करूँ चाहे देशों की बात करूँ, बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि अरे सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, लेकिन ये केवल इंडिया तक सीमित क्यों रह गया? और जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, चाहे मैं विदेशों की बात करूँ, इस्लामिक कंट्री की बात, कहीं की भी बात करूँ, वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन इंडिया से क्यों होता है? तो यही कि सनातन धर्म के अंदर कोई कन्वर्जन का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पर इतने लोग ही सीमित हैं। लेकिन जितने लोग भी हैं भारत के अंदर, तो बड़ा धूम होता है हर चीज़ को लेकर के। तो यही एक बड़ा रीज़न था। सबसे बड़ा सवाल कि इस्कॉन टेंपल्स का निर्माण विदेशों में किसने किया? स्वामी शिरला प्रभु प्रधा जी ने किया था। वो भी कब किया था? 13 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क सिटी US में किया था दोस्तों। तो अभी आप लोगों को मेन रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस समय पे सॉवरेन यूनियन का काफ़ी दबदबा चल रहा था दोस्तों। उस समय पर बहुत ही बेहतरीन मौका था। उस समय पर जो वहाँ के लोग थे काफ़ी ज़्यादा भटके हुए थे, उनको सही रास्ता दिशा दिखाने की ज़रूरत थी। तो स्वामी जी ने यही किया, लोगों को सही रास्ता दिखाया। अभी भी आप लोगों को पता है जो युद्ध होते हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ेल होते हैं, मतलब अभी नशे में लिप्त हो जाते हैं, लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार रखना ये वो। तो भगवत गीता के माध्यम से लोगों को सही राह दिखाई गई और लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे पूरे विदेशों में इस्कॉन टेंपल्स कृष्ण भगवान जी की भक्ति शुरू हो गई एक चीज़ के कारण। जी हाँ, लोगों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा कि अरे ये लोग यहाँ जा रहे, चलिए हम भी देखते। तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगे। इसी तरीके से इंडोनेशिया एक बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, आई थिंक सो, मैं सही बोल रही हूँ। तो वहाँ पर इस्लाम कैसे फैला, आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में मतलब सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री आपको देखने मिलेगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाली कंट्री। तो कैसे, उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। इन्होंने जो कहा 100%, ये जो कह रही हैं कि क्या मिलता है, यू नो, फॉरनर्स लोगों को क्या मिलता है, इतना सारा सब कुछ देख लेते हैं ये लोग, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ भी होती है, बहुत लग्जरियसली जीते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, जो भी है। उसके बाद क्या, यू नो, आफ्टर दैट वो जो स्पिरिचुअल साइड है ना, वो बाहर वो कमी महसूस होती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, समथिंग स्टेज, यू नो, जो आपको ऐसा लगता है कि वेयर इज माई स्पिरिचुअलिटी, क्या है इसके आगे, वॉट, चलो सबसे अच्छा खाना खा लिया, सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छे से रह लिए, पार्टीज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके बाद क्या? After that there is a void. Void मतलब एक खालीपन होता है, और वो खालीपन सिर्फ सनातन भर सकता है और कोई भी नहीं। तो ये जो शबनम शेख है, ये एक मुस्लिम महिला है, जैसे आप देख रहे हो, ये महिला है जो मुस्लिम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा सनातन की ओर खिंची चली आई है। अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ही वो सनातन को मानती है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह, मैंने बैंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है, और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा, महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेंपल्स हैं। 3 टेंपल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेंपल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेंपल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊँ, इतने ब्यूटीफुल टेंपल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इज द
इट्स अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है, आपको यू नो जबरदस्ती की जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदुइज्म, हाँ जैसे इसने भी कहा और मैं भी कहती हूँ कि हिंदुइज्म क्यों नहीं आगे वो हुआ, क्योंकि हम कन्वर्ट करना जानते ही नहीं है। हम थोड़ी इस्लामिक है कि हम कन्वर्ट करेंगे, या हम थोड़ी क्रिश्चियनिटी है जो हम कन्वर्ट करेंगे, भाई चलो चलो आपको ये दे दिया, आपको थोड़ा सा खाने को दे दिया, आपको राइस बैग दे दिया, आपको आपके बच्चे की पढ़ाई के बारे में आपको आश्वासन दे दिया कि आपका बच्चे पढ़ेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी बाद में जाके। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं वो ये करते हैं, और जो दूसरे हैं इस्लाम, ये तो जोर जबरदस्ती या ब्रेन वॉश करके कि भाई अल्लाह का कहर है, जिस तरीके से अभी सभी लोग जानते हैं, आजकल तो मीडिया में क्या नहीं आ गया कि बस आप लोग कन्वर्ट हो जाइए और यही है, अल्लाह का ही हुकूमत है, अल्लाह की ही हुकूमत चलेगी। ऐसा हिंदुइज्म में सनातनों में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप कहीं पर से भी, अगर आपको लगता है कि मुझे घर वापसी करनी है, तो बड़े अच्छे तरीके से विदाउट एनी फोर्स, ये जो है जो करते हैं, जो घर वापसी करते हैं, ये कन्वर्जन नहीं है, ये अपने मूल, अपने रूट्स में वापस आना है। This is what it is. तो ये कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा भी कैसे? आप मुझे बताओ। इसके लिए मतलब वो है ना कि हमने ना तलवार के जोर के ऊपर कन्वर्जन किया था कभी, कभी भी? इन फुल जब से सनातन है तब से ना कभी किसी को तलवार के जोर के ऊपर सनातनी बनाया, घर वापसी किया, नहीं, कभी भी नहीं। तो यही है कि सनातन में जो अगर आप देखो तो इतना पीस है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ज्यादा, मैं इसको मैं तो चाहूंगी कि सभी लोग इसको पढ़ें, गीता को पढ़ें, समझें, और जितना अच्छे मतलब कैरेक्टर्स हैं हमारे, जितने भी राम जी बोलो, जो भी है, कृष्ण जी बोलो, राम जी बोलो, शिव जी बोलो, इनकी जो जो एक्चुअल जो इसका कोर है ना, जो इसका जो एक एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जो इसका जो अंदर का जो एक कोर है, जो मेन है, दैट इज सो ब्यूटीफुल, अगर आप समझो तो। अब लोग तो बातें तो बहुत करते हैं कि भाई ये ऐसा है, हिंदुइज्म में ये है और आपके शिव में ये है और कृष्ण में ये है और राम, मतलब बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस्कॉन वॉज द फर्स्ट, मतलब जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी जब बाहर गए थे, उनके पास, उनकी मैंने पूरी पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, उनके पास पैसा नहीं था बाहर जाने के लिए। कोई एक मुंबई की बहुत बड़ी एक बिजनेस वुमन थी, बिजनेस, जिनकी फैमिली में बिजनेस होता था, उन्होंने उनको मुंबई बुला के उनको उनके उनको थोड़े से पैसे दिए थे, बहुत ही मिनिमम पैसे दिए थे, और उनको भेज दिया था। इमेजिन हिज एज, ही वॉज ओवर 60, मतलब वो काफी उम्र के थे, और उन्होंने शिप में वो गए। इमेजिन इतना दिन लगा उनको वहां पहुंचने के लिए, लेकिन उनमें एक वो थी, इनमें एक यू नो जज्बा था सनातन के लिए कि मुझे जाना है और मुझे प्रीच करना है, मुझे जाकर उन भटके हुए लोगों को फिर से रास्ता दिखाना है, उनको बताना है कि कृष्णा कितना, मतलब गो बैक टू गॉड हेड, ये इनका एक मेन होता है कि भाई हमें ये चीज करनी है कि हमें फिर से जन्म नहीं लेना है, मोक्ष नहीं लेना है, मोक्ष लेना है, हमें फिर से जन्म नहीं लेना है, और हमें वो तभी प्राप्त होगा जब हम हरि नाम लेंगे। यू नो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर आप शिवा का नाम लोगे, या अगर आप विष्णु का नाम लोगे, या अगर आप राम जी का नाम लोगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट ही हैड दिस थिंग कि मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में, जो भक्ति मार्ग लेते हैं, जो भक्ति मार्ग लेते हैं, उनको मैं भक्ति मार्ग सिखाना चाहता हूँ, जो भक्ति का मार्ग है, जो बहुत ही प्यारा है। आई थिंक भक्ति मार्ग से प्यारा और कुछ भी नहीं है, कि आपको इतना प्यार हो जाता है कृष्ण जी से, राम जी से, इतना प्यार, एक अलग ही तरीके का बॉन्ड होता है, एक अलग ही तरीके का प्यार होता है, जो लफ्जों में नहीं बयां कर सकते हैं। इतना ज्यादा ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड यू, That is something so 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 divine, है ना, बहुत ज्यादा divine होता है। तो मैं ये वाला video आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि अगर हर एक मुसलमान, भले वो तो मानेगा नहीं, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट करे ना, तो वो समझे कि सनातन धर्म है क्या, what beauty it has got, it has really divine powers है इसमें। इसमें
किसी को भी नीचा दिखाना, किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाता। अब ये बात और है, अभी आप कहेंगे कि फिर आप मुसलमान की क्यों बातें करती है, क्योंकि ये बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जितने हमारे जितने भी हैं मोमिन लोग, वो ये नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हम नहीं करना चाहते, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हो कि सनातन धर्म क्या है। आप गंदी गंदी बातें करते हो, आप इसके ऊपर गंदी टिप्पणियां करते हो, आप राम जी के ऊपर, हमारे शिव जी के ऊपर, और आप गंदी जो जो मिक्स्ड जो हमारे जो जो भी ग्रंथ है उसको जैसे चेंज किया है, जैसे ब्रिटिशर्स और मुगल के टाइम पे जैसे चेंज हुई है सारी बातें, और भी क्या क्या इन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया है, और ऐसी इतनी किताबें इन्होंने छपाई है जो इन्होंने इंडिया में मुफ्त बांटी थी ताकि हमारे जो सनातन है ना इसको नीचा दिखा सके। तो दिस इज अ वेरी वेरी आई मीन यू विल बी ब्लेस्ड अगर आप सनातन को समझे ना, सिर्फ समझे भी तो यू विल बी ब्लेस्ड। सो ये एक वीडियो था जो आपने देखा एंड आई होप यू लाइक इट। और मैं यही कहूंगी कि सनातन को समझो, सनातन के की जो बातें हैं, जो सनातन की जो टीचिंग्स है उसको समझो। यहाँ पर कोई आपको मार धाड़, आपको मार ये नहीं है कि आपको अधर्म सहना भी है, लेकिन आपको मार धाड़ करना है, आपको किसी को कन्वर्ट करना है, आ जाओ हिंदुइज्म में वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, या मैं तुम्हें तुम हमको टैक्स पे करो अगर आप एक वो नहीं हो, अगर आप एक मोमिन नहीं हो तो जिस तरीके से जजिया लिया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स सच अ डिवाइन थिंग एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं और ऐसे छोटे छोटे वीडियोज आपके सामने लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार। आपने देखा और इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा और जय श्री राम। थैंक यू सो मच जी।